ग्वालियर के मुरार थाना इलाके में भवन निर्माण में लगे दो मजदूर आज सुबह सुबह हाई टेंशन लाइन के करंट की चपेट में आ गए, जिससे एक मजदूर की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना मुरार थाना क्षेत्र के SLP कॉलेज के पास माल रोड पर हुई है, जहां पर गोल्डन गार्डन नामक स्थान पर भवन निर्माण का कार्य चल रहा था और उसी दौरान मजदूर राकेश पाथम और उसका साथी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिसमें राकेश बाथम की दर्दनाक मौत हो गई है और उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मुरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस रवाना करते हुए जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी की। यहाँ ये हाई टेंशन लाइन मकानों से निकली हुई है। एक मजदूर गार्डन में काम कर रहा था, जिससे वो चपक के एक की मृत्यु हो गई और एक अस्पताल में भर्ती है। कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? लदेड़ी लदेड़ी का रहने वाला है, जिसकी मृत्यु हुई है, और वो भी शायद लदेड़ी का है जो अभी एडमिट है। यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ गार्डन में काम कर रहे थे। ये गार्डन बना हुआ है, इसमें काम कर रहे थे। ये गोल्डन गार्डन है, सुरेश सुरेश जी हैं उनका, और यहाँ पे मजरुद्दीन खान ठेकेदार काम कर रहे थे। इसका निर्माण चल रहा था, जिसपे एक राकेश बाथम नाम का मजदूर है, जिसको करंट लगने से मृत्यु हो गई। बताया हाई टेंशन लाइन गई हुई थी। हाँ, हाई टेंशन लाइन बता रहे हैं। कितने लोग गए? एक मृतक हो गया है, एक घायल है। क्या उम्र रही इसकी? 30 साल के करीबन उम्र है। कहाँ का निवासी बताया? ये टाल का रहने वाला था और वर्तमान में बता रहे हैं लदेड़ी में रहता है।